हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस शराब के बारे में बताने जा रहे हैं, वह शराब इंसानों द्वारा तैयार की हुई नहीं है, बल्कि कुदरती तरीके से खुद ही तैयार होती है। और यह शराब सेहत के लिए भी अच्छी होती है। यह शराब हमें पेड़ से प्राप्त होती है। शराब के इस पेड़ को ताड़ कहा जाता है। इंग्लिश में इस पेड़ को पाम ट्री कहा जाता है। और इससे निकलने वाली शराब को पाम वाइन कहा जाता है। इससे पहले कि हम आपको वीडियो दिखाए कि यह शराब पेड़ से निकलती कैसे है, आइए जानते हैं इस पेड़ के बारे में। दोस्तों, ताड़ का पेड़ देखने में खजूर के पेड़ जैसा होता है, लेकिन खजूर के पत्ते लंबे होते हैं और ताड़ के पत्ते गोल होते हैं। ताड़ का फल दिखने में नारियल जैसा होता है। ताड़ का पौधा भी खजूर के पौधे की तरह हर जगह उगाया जा सकता है, चाहे वह रेतीला इलाका हो या फिर समंदरी इलाका। यह पौधा खजूर की तरह ही 40-50 फीट ऊंचा जाता है। आप इस चित्र में देखकर पहचान सकते हो कि खजूर के और ताड़ के पत्तों की शेप अलग अलग होती है। खजूर से और तार से रस निकालने का प्रोसीजर एक समान होता है। खजूर और तार दोनों के रस से गुड़ भी तैयार किया जाता है। यह गुड़ शुगर का मरीज भी खा सकता है। इस गुड़ से शुगर के मरीज को कोई हानि नहीं होती। आजकल ताड़ के पौधे बिहार और उत्तर भारत में भी बहुत मात्रा में लगाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ताड़ पौधे से शराब कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारी और भी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ताड़ से शराब निकालने के लिए पेड़ पर चढ़कर, जहां से पेड़ के फल तोड़े गए होते हैं, उस टहनी को थोड़ा थोड़ा छील लिया जाता है। अब उस टहनी को मटकी में डालकर मटकी को
उसी के साथ बांध दिया जाता है। सभी टहनियों पर मटकियां बांध दी जाती है। और कई बार पेड़ के तने पर भी टक लगाकर ऐसे ही मटका लगा दिया जाता है। फिर टहनी से रात भर बूंद बूंद रस मक्की में टपकता रहता है। सुबह तक मक्की में काफी रस इकट्ठा हो जाता है। रस इकट्ठा करके टहनी को थोड़ा और शील कर फिर मटकी को साफ करने के बाद वहीं पर दोबारा लगा दिया जाता है। यह रस पीने में बहुत मीठा और पौष्टिक होता है। इसी रस से गुड़ भी तैयार किया जाता है। यही रस जब 6-7 घंटे तक पड़ा रहे तो इसकी तासीर बदल जाती है और यह रस शराब में तब्दील हो जाता है। यह शराब दूसरी शराबों की तरह ही
बहुत लोकप्रिय है और यह बहुत असरदार होती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी हम और नई शराब की वीडियो लेकर आएंगे। और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।